नमस्कार साथियों, बीएसए ट्रिकी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 100+ सीरीज क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। सीरीज नंबर पार्ट वन है आप लोगों का कंप्यूटर का, तो आखिरी क्षण की पढ़ाई जरूर आपको सफलता दिलाएगी, तो मेहनत करते रहिए। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है। आज हम कंप्यूटर के मिसलिनियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस क्लास के कंप्लीट हो जाने के बाद इसी वीडियो के लास्ट में जो आप लोग की हिस्ट्री की क्लास चल रही थी वो आपकी प्ले कर दी जाएगी, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। और जितनी देर आप लोग हिस्ट्री में प्रैक्टिस करेंगे तब तक हम दूसरी क्लास को तैयार कर लेंगे, फिर हम उस क्लास को शुरू कर लेंगे, फिर उस क्लास में भी हिस्ट्री की क्लास को प्ले कर लेंगे, फिर तीसरी क्लास शुरू कर लेंगे। तो ऐसे आप लोग की बिना रुके जो है सारी क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से चल पाएंगे। तो अगर ये क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस क्लास को, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है और ये क्लास आपको बता दें यहां से सभी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? तो दोस्तों, आप लोग यहां पर देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इन जर्नल कैन नॉट कंप्यूट, कौन आप लोग का जो है गणना नहीं कर सकता। सभी लोग दोस्तों यहां पर बताएंगे इनमें से दोस्तों कौन गणना नहीं कर सकता। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा प्रिंटर, ठीक है। तो दोस्तों, जिनका भी दोस्तों आंसर यहां से प्रिंटर है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, सही जवाब होगा आपका प्रिंटर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, सिक्स क्वेश्चन दोस्तों अगर हम बात करेंगे दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने है। यूपीएस की अगर हम बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दोस्तों बताइए, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा दोस्तों आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दोस्तों, सभी लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर क्या होगा। हाँ, तो यूपीएस का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है बैटरी, तो जिनका भी आंसर यहां पर बैटरी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, ध्यान से आप लोग देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से किस में जो भी फाइल फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है। तो आठवें प्रश्न का आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा गार्बेज कलेक्शन। तो दोस्तों, किस में होता है ये? गार्बेज कलेक्शन में होता है। तो ध्यान दीजिएगा, गार्बेज कलेक्शन इन्वॉल्व्स, ठीक है ना, ट्रावर्सिंग द इंटायर फाइल सिस्टम, ठीक है ना, मार्किंग एवरीथिंग दैट कैन बी एक्सेस्ड। तो इसको बोलते हैं हम लोग यहां से गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, बैकअप दोस्तों क्या है? बैकअप, बैकअप की दोस्तों अगर हम बात करेंगे, बैकअप क्या है? देखिए, बैकअप के बारे में आप सभी लोग यहां पर जानते होंगे, बैकअप का इसमें जो सही डिफाइन किया गया है, डेटा बचाने के लिए इसे मूल स्रोत से कॉपी करके दूसरी जगह रखना, इसको हम बोलते हैं बैकअप बनाकर रखना। तो बैकअप का मतलब हो जाएगा प्रोटेक्टिंग डेटा बाई कॉपिंग इट फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्स टू अ डिफरेंट डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, चलिए आप लोग यहाँ पर बताइए दोस्तों सही जवाब क्या होगा। विच एल्गोरिथम इज यूज टू डिसाइड द पाथ टू ट्रांसफर द पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताइए, सोर्स से डेस्टिनेशन में पैकेट ट्रांसफर करने का जो पाथ डिसाइड करता है, ये कौन सी एल्गोरिथम करती है? तो आपको यहाँ पर बताना है किस एल्गोरिथम मेथड का यूज किया। क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राउटिंग। विच एल्गोरिथम इज यूज्ड? राउटिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पैकेट की अगर हम बात करेंगे, पैकेटों के स्थानांतरित करने का जो मार्ग है, इसका निर्णय करने के लिए राउटिंग एल्गोरिथम का यूज किया जाता है। आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा राउटिंग। अब ले चलते हैं आपको आगे, अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए, कंप्यूटर विज्ञान में डेटा पर खतरा उत्पन्न होता है जब क्या हो? यू नो कि आप लोग दोस्तों जानते हैं, इन कंप्यूटर साइंस डेटा हैजार्ड अकर्स व्हेन। देखिए, हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, 18 क्वेश्चन जो आपके सामने आपको दिया गया है, कंप्यूटर विज्ञान में डेटा हैजार्ड उस स्थिति को कहा जाता है जब पाइपलाइन रीड या फिर राइट एक्सेस का क्रम ऑपरेंड के लिए बदल देता है। तो सही जवाब होगा पाइपलाइन चेंजेस द ऑर्डर ऑफ रियल राइट
एट है ना एक्स एस टू ऑपरेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको क्या दिया गया है इसको आप लोग यहां पर बताइए। एटीएम की फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? सब लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटीएम की फुल फॉर्म आप सभी को बतानी है। तो एटीएम की फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए। तो हमने आपको बताया एटीएम की फुल फॉर्म क्या होगी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर का मतलब क्या होता है, क्या आप लोग जानते हैं वेट वेयर का मतलब क्या होता है? 22 प्रश्न। तो सही जवाब होगा ये होता है ह्यूमन ब्रेन। वेट वेयर का मतलब होता है ह्यूमन ब्रेन। तो कंप्यूटर के संदर्भ में वेट वेयर को मानव मस्तिष्क कहा जाता है। यह एक जैविक कंप्यूटर है जिसका निर्माण जीवित न्यूरॉन्स की सहायता से किया जाता है और इसे कृत्रिम कार्बनिक ब्रेन या फिर न्यूरो कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा, ह्यूमन ब्रेन ये होता है वेट वेयर एक तरीके से। इसको हम जैविक कंप्यूटर बोलते हैं क्योंकि इसका जो निर्माण है जीवित न्यूरॉन की सहायता से किया जाता है। तो ये एक तरीके का ह्यूमन ब्रेन होता है। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है CAT कैट। तो दोस्तों यहां पर कैट स्कैन का मतलब क्या होगा, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो CAT का मतलब होता है, यहां पर अगर हम बात करेंगे 24 क्वेश्चन की, फुल फॉर्म होगी कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी। ओके, सी फॉर कंप्यूटराइज्ड, ए फॉर एक्सियल, ए फॉर दोस्तों आपका हो जाएगा यहां से एक्सियल और टी फॉर आपका यहां से हो जाएगा टोमोग्राफी। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा कंप्यूटराइज्ड, ठीक है ना, कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी ये होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल आपका एग्जैक्टली आंसर। अब ले चलते हैं आपको आगे, ICT की फुल फॉर्म क्या होगी देखिए। 27 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ICT का मतलब हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का मतलब दोस्तों हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अब ले चलते हैं आपको आगे, अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। क्या दोस्तों आप लोगों में से कोई इस बात को जानता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी की शब्दावली का भाग है? दोस्तों कौन सा आप लोग का जो है IT का भाग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल लॉगिन ऑर्ची या फिर आपका हो जाएगा सभी। तो 29 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोस्तों प्रोटोकॉल लॉगिन ऑर्ची, ये सारे IT डिपार्टमेंट, अगर हम IT टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो IT के शब्दावली के भाग हैं। तो ऐसे में आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑल सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। चलिए आप लोग यहां पर देखिए दोस्तों, IT का मतलब अगर हम बात करेंगे, इन IT मींस दैट द डेटा अवेलेबल इन द डेटाबेस इन बोथ एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, IT में किसका मतलब होता है कि डेटाबेस में उपलब्ध डेटा सही और संगत पूर्ण है? तो अगर हम इस क्वेश्चन की दोस्तों बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा डेटा इंटीग्रिटी। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है डेटा इंटीग्रिटी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो IT में DI का मतलब जो होता है, डेटा इंटीग्रिटी का जो मतलब होता है, ये देखता है कि डेटाबेस में जो भी अवेलेबल डेटा है क्या वो सही है, क्या वो संगत पूर्ण है, कहीं गलत तो नहीं है। तो ये सारी चीजें चेक करने का काम है दोस्तों, ये आप लोग क्या बोलते हैं इसको, डेटा इंटीग्रिटी। ओके दोस्तों, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा UPC का मतलब होता है आप लोग का यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो ये स्वीकार किया गया है किसके लिए? देखिए UPC की अगर हम बात करेंगे तो UPC जो है किसके लिए स्वीकार किया गया है, बार कोड के लिए। यहाँ पर तो UPC जो है दोस्तों, जब बार कोड है तो इस तरीके से आप लोग लाइन होती है, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट होगा नीचे आपके नंबर लिखते हैं यहाँ पर 9010025 16। तो ये दोस्तों आप लोग का होता है बार कोड हो जाएगा। सही जवाब होगा आपका बार कोड। बार कोड के लिए जो है UPC को जो है स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है,
इसको आप लोग यहाँ पर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब लोग यहाँ पर ध्यान दीजिए। 2G, 3G, 4G, 5G, तो दोस्तों 2G में आपका जी का मतलब क्या है? 2G में आपका जी का मतलब क्या है? जी का मतलब दोस्तों होता है जनरेशन। ओके, तो 2G हो, 4G हो, चाहे कुछ भी हो, जी का मतलब आप लोग का जनरेशन होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जी फॉर होता है जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? हमारे भारत देश का जो सबसे पहला कंप्यूटर लिटरेट जो आपका जिला था, वो था आप लोग का मलप्पुरम, केरल। तो केरल का वो जिला था आप लोग का मलप्पुरम, जो कि सबसे पहले कंप्यूटर साक्षर हुआ था, इसका नाम है मलप्पुरम होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अब ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। लाइव क्लास आप लोग की चल रही है सिंघानिया जी, ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। नेटवर्क थोड़ा आजकल वीक कर रहा है, सिस्टम जो है नेटवर्क जो है 5G सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए दोस्तों ये प्रॉब्लम हो रही है। अब ले चलते हैं आपको आगे। दोस्तों हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, तो प्यारे मित्रों सभी लोग यहाँ पर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकी उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्मवेयर। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर फर्मवेयर आ रहा है, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर अभियांत्रिक उत्पादों एवं यंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्राकलन प्रदान करता है। फर्मवेयर एक प्रोग्रामिंग है जो हार्डवेयर डिवाइस के लिए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी लिखता है। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है फर्मवेयर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, CGI की फुल फॉर्म क्या है? यू नो एवरीवन, क्या आप लोग जानते हैं CGI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉमन गेटवे इंटरफेस। CGI मीन्स होता है आप लोग का कॉमन गेटवे इंटरफेस होगा आप लोग का राइट आंसर, ठीक है ना? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस का संक्षिप्त रूप है और यह आप लोग का वेब पेज और वेब एप्लीकेशन पर डायनेमिक कंटेंट की सुविधा प्रदान करता है। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं सिम की फुल फॉर्म क्या होगी? SIM। सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का मतलब होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये आप लोग का होगी फुल फॉर्म। इसको बोलते हैं उपभोक्ता पहचान इकाई। ओके, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सिम की दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, ओके, तो यहाँ से दोस्तों आपका आ जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, बस 85 प्लस का टारगेट बनाइए आप लोग, 85 प्लस अगर आपने स्कोर कर लिया तो सिलेक्शन आप लोग का पक्का है बिल्कुल। ओके, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग का वायरलेस टेक्नोलॉजी के GSM कुल में से नहीं है? EDGE, LTE, DSL या फिर आपका हो जाएगा दोनों। देखिए 48 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा आपका यहाँ से DSL। तो DSL जो है हमारा इन में से जो है नहीं है। DSL का मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। DSL का दोस्तों मतलब आप लोगों का क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होगा यहाँ पर, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसका मतलब था DSL। तो DSL आपका नहीं हो जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है DSL, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। दो से अधिक विकल्पों में से चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे जो आपके सामने है, एक आप लोग का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले भी हमने आप लोग के साथ डिस्कस किया था,
अगर दो से ज्यादा विकल्पों का चयन करना है तो इसके लिए हम लोग स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम प्रोग्रामिंग की बात करेंगे, आपका इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, एल्स इफ होता है, ठीक है ना। लेकिन हमें जब दो से ज्यादा अगर ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो, क्योंकि ये तो दोस्तों यहाँ पर केवल दो ही ऑप्शन के लिए कर सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा अगर आपको ऑप्शन को सेलेक्ट करना हो तो स्विच स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, स्विच स्टेटमेंट होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, अब आप लोग यहाँ पर बताएगा डिस्प्ले किए जाने वाले, अब देखिए दोस्तों आप लोग को यहाँ पर क्या बताना है। द इमेज टैग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स टू स्पेसिफाई द यूआरएल ऑफ द इमेज टू बी डिस्प्ले। तो डिस्प्ले किए जाने वाले प्रतिबिंब का यूआरएल विनिर्दिष्ट करने के लिए इमेज टैग किस गुण का प्रयोग करता है? ओके, आपका राइट आंसर हो जाएगा SRC। ओके, तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है SRC बिल्कुल राइट हो जाएगा, आपका सही जवाब हो जाएगा SRC। अब दोस्तों ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, विभिन्न निकायों के बीच तुलना करने के लिए निम्नलिखित संकारक का प्रयोग किया जाता है, इसको बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर्स इज यूज फॉर मेकिंग कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट ऑपरेंड्स? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो दोस्तों कभी भी अगर तुलना करनी हो तो तुलना करने के लिए हम लोग यूज कर, जैसे कि 5 = 5 के है, 5 जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जो है यहां पर 3 के है, तो इस तरीके से हमारे जो है कंपेयर करने के लिए जो है हम लोग यहां से रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा रिलेशनल ऑपरेटर होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब दोस्तों आपको ले चलते हैं आगे। हमारा आज का अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने आपको दिया गया है। दोस्तों अगर क्लास आज की आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो प्लीज अपनी स्टडी पर फोकस कीजिए। देखिए दिल्ली पुलिस सिलेक्शन लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, अब हार्ड वर्क नहीं, अब आपको स्मार्ट वर्क करना है, कम टाइम में अच्छा पढ़ना है, अच्छा कंटेंट आप लोग को पढ़ना है, ताकि आप लोग का सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित रूप से बिल्कुल श्योर हो सके। तो ध्यान से आप लोग पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जो पूर्व निर्धारित सुरक्षा नियमों के आधार पर आगामी और निर्गामी नेटवर्क यातायात को मॉनिटर और नियंत्रित करता है? तो एंटीवायरस, स्पाईवेयर, फायरवॉल या होगा आपका सर्च इंजन। तो 56 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आपका फायरवॉल। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर फायरवॉल आ रहा है बिल्कुल राइट होगा, फायरवॉल ऐसे लिखा जाता है। ओके फायरवॉल, अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आप सभी को दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए। दोस्तों कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार, यू नो एवरीवन, कंप्यूटिंग का कौन सा प्रकार कंप्यूटेशन, स्टोरेज और यहाँ तक कि एप्लीकेशन को भी पूरे नेटवर्क में सर्विस के रूप में करता है? आपके ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग। दोस्तों सभी लोग जो अपने कमेंट को जो है चैट ऑफ कर लीजिए यहाँ से, क्योंकि हमने भी कर दी है, क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा है बार बार आपको पढ़ाने में। तो प्लीज़ अब आप लोग जो है ध्यान से पढ़ लीजिए। 62 क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या होगा ये दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है। चलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पर बताइए, ठीक है ना। SRC का मतलब होता है सिस्टम रिसोर्स कंट्रोलर, ठीक है ना। तो ये क्या करता है सिस्टम रिसोर्स कंट्रोलर, ये सिस्टम मैनेजर और प्रोग्राम को सब सिस्टम बनाने और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसे आसान बनाने के लिए कमांड और सब रूटीन का एक सेट को प्रोवाइड कराता है। तो SRC का मतलब होता है दोस्तों यहां से ध्यान दीजिएगा सिस्टम रिसोर्स कंट्रोलर। चलिए अब हम जो है चैट को ऑफ कर दिया है यहां पर, और अब आप लोग जो है दोस्तों सिंपल से जो है क्वेश्चंस को पढ़िए और आंसर को बताइए। चलिए हम चैट ऑफ कर चुके हैं, अब आपको जैसा कमेंट करना है, अब हमें नहीं पता है क्योंकि क्लास बार बार डिस्टर्ब हो रही है, और डिस्टर्ब होती है बाद में लोगों को प्रॉब्लम बहुत होती है। चलिए तो जिनका भी आंसर यहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग होगा बिल्कुल आपका सही जवाब। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, किसी विशेष समय में डेटाबेस में डेटा को क्या कहते हैं? दोस्तों किसी विशेष समय में डेटाबेस में डेटा को क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 70 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा आप लोग का एक्सटेंशन। क्या बोलते हैं दोस्तों हम लोग इसको, एक्सटेंशन बोलते हैं। तो आपका सही जवाब दोस्तों यहां से हो जाएगा एक्सटेंशन होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए, MMU की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों MMU की फुल फॉर्म क्या है, 79 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो MMU की फुल फॉर्म हो जाएगी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। MMU का मतलब होता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट,
मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, यू नो क्या आप लोग जानते हैं व्हाट इज नॉट ट्रू विद डेटा कन्वर्जन? क्या आप लोग जानते हैं डेटा कन्वर्जन के साथ क्या सही नहीं होगा? तो 82 प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो डेटा का रूपांतरण एक संस्करण से दूसरे संस्करण में अनुवादित नहीं होता, तो ये वाला जो पॉइंट आपको जो दिया गया वो आपका सही नहीं है, नॉट ट्रू, बिकॉज आप लोग भी जानते हैं अपग्रेड करने के बाद एक वर्जन से दूसरे वर्जन पर दोस्तों क्या होता है, यहाँ से अनुवादित वो होता है, ये कह रहे हैं अनुवादित नहीं होता है, तो ये चीज़ जो है आप लोग की यहाँ से सही नहीं दी गई है, क्योंकि अपग्रेडिंग फ्रॉम वन वर्जन टू अनदर वर्जन, तो अगर हमारा जो एक बार जो अगर ये अगर हो गया तो उसके बाद दोबारा हमारा जो है पहले इसमें अपग्रेड नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जिनका भी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। बाकी दोस्तों सारे पॉइंट बिल्कुल राइट, जैसे कि रिसीविंग डेटा फ्रॉम अ लिगेसी सिस्टम, रिसीविंग डेटा फ्रॉम अनदर मॉड्यूल, इट मे यूज स्टैंडर्ड इम्पोर्ट प्रोग्राम्स, तो लगभग लगभग आप लोग के सारे ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएंगे। और दोस्तों पढ़ते हैं लोग यहाँ से आगे, आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, चलिए किसमें आपकी जो है लेजर टेक्निक का प्रयोग नहीं किया जाता, किसमें आपका लेजर टेक्निक का यूज नहीं किया जाता? तो आपका सही जवाब होगा माइक्रोवेव ओवन, माइक्रोवेव ओवन होगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए, माइक्रोवेव ओवन में लेजर टेक्निक का यूज नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, दोस्तों स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, दोस्तों स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जो है किसने शुरू की थी? तो 88 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ से जॉन वॉन न्यूमैन, जॉन वॉन न्यूमैन होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। क्लिक जैकिंग क्या है, व्हाट इज क्लिक जैकिंग? क्लिक जैकिंग का मतलब आप लोग समझते हैं, क्लिक जैकिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, क्लिक प्लस हाई जैकिंग, जिसका मतलब क्लिक को हाईजैक करना। तो बिल्कुल दोस्तों इसका मतलब होता है क्लिक को हाईजैक करना, यानी कि वेब यूजर्स को गोपनीय जानकारी प्रकट करने के लिए फुसलाने वाली एक आपके दुर्भावनापूर्ण टेक्निक है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि क्लिक हाईजैकिंग का मतलब होता है कि क्लिक को हाईजैक करना, ठीक है। एंड अब पढ़ते हैं हम लोग यहाँ से आगे, अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, यू नो कि आप लोग जानते हैं कि एपीआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम एपीआई की बात करेंगे, एपीआई का फुल फॉर्म आप लोग का क्या हो जाएगा? एपीआई की दोस्तों अगर हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एपीआई का दोस्तों मतलब क्या होता है आप लोग का? एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सी ए एस की फुल फॉर्म क्या है? सी ए एस की फुल फॉर्म क्या है? तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बताया कि आरआरबी एनटीपीसी में, एसएससी में, यूपीपीसीएल में आ चुका है, और जो पहला नेटवर्क पर जो एसएमएस भेजा गया था वो आप लोग का वोडाफोन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, दोस्तों एसएमएस का जनक जो है किसे माना जाता है? अगर हम एसएमएस के जनक की अगर हम बात करेंगे, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, मोबाइल नेटवर्क के माध्यम से एसएमएस तकनीक के जनक के रूप में मैटी मैकनोन को माना जाता है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका मैटी मैकनोन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, एसएमएस का जनक है मैटी मैकनोन। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहां पर बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इन आईटी एसोसिएटिव मेमोरी इज कॉल्ड एस, सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? क्या आप लोग जानते हैं एसोसिएटिव मेमोरी को जो है हम क्या बोलते हैं? चौथे प्रश्न का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी होगा आपका, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोगों को यहां पर क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू प्रोटेक्ट इन कंप्यूटर सिस्टम इन द एब्सेंस ऑफ मोर कंप्यूटर कंप्लीट प्रोटेक्शन स्कीम? तो राइट आंसर आपका क्या होगा इसको बताइए, कंप्यूटर सिस्टम में अधिक पूर्ण स्कीमों के अभाव में मदों को संरक्षित करने के लिए
निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पांचवें प्रश्न की बात करेंगे तो दोस्तों आप लोग का सही जवाब क्या होगा यहाँ से? पासवर्ड। तो दोस्तों जिनका भी आंसर यहाँ पर पासवर्ड आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग पासवर्ड का यूज करते हैं यहाँ पर संरक्षित करने के लिए चीजों को, तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है पासवर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, डू नो एबल टैगलाइन किसकी है? ये क्वेश्चन आप लोग का एसएससी के एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो दोस्तों बताइए आप लोग, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, द टैग लाइन डू नो एबल इज ओन्ड बाई। देखिए अगर हम आठवें प्रश्न की बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। डू नो एबल टैगलाइन दोस्तों किसकी है? ये टैगलाइन दोस्तों आप लोग की गूगल की है। अब हमारा अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, ए एफ सिग्नल तथा आर एफ तरंग को मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मिलकर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहने वाली है, तो सभी लोग यहाँ पर बताइए कि ए एफ सिग्नल तथा आर एफ तरंग को मिलाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो नाइन्थ क्वेश्चन का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होगा, मॉड्यूलेशन। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर मॉड्यूलेशन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यदि कार्य योजना में किसी कार्य योजना में यदि सी कार्य पूरा करने कार्य पूर्ण करने में लगने वाला समय है और जो डी है कार्य समाप्त करने हेतु एक निर्धारित सीमा है कि डी समय में कार्य को समाप्त कर लेना है, ये एक सीमा तय कर दी है, और तो निर्धारित सीमा के उल्लंघन के जो है इसकी जो है गणना किस प्रकार से की जाएगी? देखिए सिंपल सोचो, अगर हम बात है सी जो है दोस्तों यहाँ पर ये जो है काम को पूरा करने वाला समय हो गया कि सी जो है ये हमारा इतना टाइम लगेगा काम करने में और डी इतने टाइम में हमें काम पूरा कर लेना है और के है दोस्तों यहाँ पर हमारा उल्लंघन, तो इसकी गणना किस प्रकार की जाएगी? तो के बराबर दोस्तों हमारा क्या होगा उल्लंघन दोस्तों अगर हम बात करें, के बराबर हमारे यहाँ से हो जाएगा सी माइनस डी। ओके तो के बराबर हम लिखेंगे यदि किसी कार्य योजना में सी कार्य पूरा करने में लगने वाला समय है और डी जो है कार्य को समाप्त करने हेतु एक निर्धारित सीमा है, तो इस सीमा के उल्लंघन के जो है के हमारा इस प्रकार होगा, के बराबर हो जाएगा सी माइनस डी। तो दोस्तों कार्य में लगने वाला समय और उसमें से दोस्तों जो निर्धारित सीमा है वो घटा देंगे तो जो भी दोस्तों जो आपका एक्स्ट्रा टाइम आएगा वो वाला जो है सीमा उल्लंघन का दोस्तों यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार लिख सकते हैं के बराबर आपका हो जाएगा सी माइनस डी। अब ले चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग यहाँ पर बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जेपीईजी का मतलब क्या होता है? जेपीईजी का जो है मतलब या फुल फॉर्म आप लोग को बताना है, तो इसका राइट आंसर आप लोग का यहाँ से हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप्स। तो दोस्तों 11th क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। जेपीईजी का मतलब होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है, एक ऑडियो सैंपल में बिट्स की संख्या कही जाती है किसको? तो 12वें प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आप लोग का, बिट डेप्थ। ठीक है तो जिनका भी आंसर यहाँ से बिट डेप्थ आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक ऑडियो सैंपल में बिट की संख्या कही जाती है बिट डेप्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपको क्या दिया गया है, अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, अत्यंत बड़े डेटा सेट। देखिए अत्यंत बड़े डेटा सेट जो आप लोग के एनालिसिस किए जाने पर यूजफुल इंफॉर्मेशन को जो है शो करते हैं और पैटर्न कहे जाते हैं, ये क्या बोले इनको क्या बोलेंगे? रॉ डेटा, बिग डेटा, फास्ट डेटा या फिर आप लोग का हो जाएगा कॉन्फिडेंशियल डेटा। तो 13th क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डेटा। ओके तो एक्सट्रीमली लार्ज डेटा डेट सेट्स दैट कुड व्हेन एनालाइज्ड रिवील यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न्स आर कॉल्ड, तो दोस्तों इसको बोलते हैं बिग डेटा, आर कॉल्ड बिग डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं आपको यहां पर क्या दिया गया है, दोस्तों अभी हमने कुछ देर पहले आप लोग के साथ डिस्कस किया था ABI। क्या दोस्तों आप लोग जानते हैं कि ABI का मतलब क्या होता है, ABI की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए अगर हम 14 क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे ABI की तो सही जवाब आपका हो जाएगा ऑडियो वीडियो इंटरलीव।
एबीआई का मतलब दोस्तों क्या होता है आप लोग का, ए फॉर ऑडियो, बी फॉर वीडियो, आई फॉर इंटरलीव। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑडियो वीडियो इंटरलीव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहां पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग का जो है रंग विनिर्देश प्रारूप नहीं है। तो 15 क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये होगा आप लोग का जी आई एफ। तो जिनका भी आंसर यहां पर जी आई एफ आ रहा बिल्कुल राइट हो जाएगा। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कलर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट, तो ये आप लोग का हो जाएगा जी आई एफ नहीं है फॉर्मेट कोई कलर का। बाकी आप लोग का आर जी बी, एच एस बी और आपका सी एम वाई के ये है, बट आप लोग का ये नहीं है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट यह 8 बिट इमेज फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग यहां पर देखिए और बताइए दोस्तों, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशंस रिप्रेजेंट ग्राफिक फाइल ओनली। अब देखिए दोस्तों यहां से दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं यहां से, जैसे कि आपको दिया गया है कि निम्न फाइल एक्सटेंशन में से कौन सी ग्राफिक फाइलों को दर्शाता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशंस रिप्रेजेंट्स ग्राफिक फाइल्स ओनली। तो 16 क्वेश्चन का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा ये आपका दोस्तों क्या होगा, तो ग्राफिक फाइल्स को बोल सकते हैं बी एम पी और आप लोग का जी आई एफ, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा आपका सही जवाब यहां से हो जाएगा बी एम पी और आप लोग का जी आई एफ होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोग के सामने आपको दिया गया है, विच अमॉन्ग द गिवन रिपेयर प्रोसीजर इज डन इन ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस की प्रोसेस में कौन सा टूटने रख रखाव में किया जाता है, अर्जेंट रिपेयर, रूटीन रिपेयर, करेक्टिव रिपेयर्स या फिर आपका हो जाएगा अमरजेंसी रिपेयर। तो दोस्तों इसमें आपका होगा करेक्टिव रिपेयर्स। तो ध्यान दीजिएगा यहां से, मरम्मत की प्रक्रिया में कौन सा टूटने रख रखाव में किया जाता है, तो ये होगा आपका करेक्टिव रिपेयर्स होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर करेक्टिव रिपेयर। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, किसी रिलेशन के कॉलम को सामान्यता क्या कहा जाता है। कॉलम्स ऑफ आर रिलेशन आर जनरली रेफर्ड टू एज, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स। हमने पहले भी दोस्तों आपको पढ़ाया था कि किसी रिलेशन के कॉलम को जनरली जो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, क्या कहा जाता है, तो इसको दोस्तों कहा जाता है एट्रीब्यूट्स। ओके अब हम बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न आप सभी के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ डी एफ एस एच। और इसमें आपको दे रखा वी जो है नंबर ऑफ वर्टिसाइसेस है और ई जो आपको दे रखा है नंबर ऑफ एजेस है। तो अब आप लोग यहां पर बताइए दोस्तों यहां से, इसमें जो है दोस्तों यहां पर ये जो डी एफ एस है ये दोस्तों हमारा जो है किसके बराबर होगा। तो अगर हम बात करेंगे 19 क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन बहुत अलग है, ये कुछ हमारा जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स के क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो हमारा सीजी का क्वेश्चन है यहाँ पर जो आप लोग का एक अलग हमारा जो सिलेबस है कंप्यूटर ग्राफिक्स का, तो उससे भी हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन ले लिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको बता दें यहाँ से राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा ओ वी प्लस ई। ओके तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सही जवाब आप लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, तो डी एफ एस की जो आप लोग की कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये हमारी हो जाएगी यहां से ओ वी प्लस ई। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहां पर देख सकते हैं, आर्किटेक्चर में अधिकांश जटिल निर्देशों को किस में संग्रहित किया जाता है। दोस्तों सी आई एस सी आर्किटेक्चर में, सी एस आई सी आर्किटेक्चर में अधिकांश जटिल निर्देशों को किस में संग्रहित किया जाता है। तो 20 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ से ट्रांजिस्टर। तो इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, आपका जो एग्जैक्टली आंसर आपका हो जाएगा ये होगा आपका ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। एंड अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए वह कैंडिडेट की जो कि प्राथमिक की नहीं होती है, तो कौन इसे क्या बोलते हैं। अ कैंडिडेट की दैट इज नॉट द प्राइमरी की इज एन, तो आपका एग्जैक्टली आंसर हमारा क्या हो जाएगा 21 क्वेश्चन की बात करेंगे, अल्टरनेट की इज एन
अल्टरनेट की होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, तो आपका सही जवाब होगा अल्टरनेट की हो जाएगा बिल्कुल आपका सही जवाब। दोस्तों NSFNET ये जो है दोस्तों कब एस्टैब्लिश हुआ था, तो ध्यान दीजिएगा 1985 में अमेरिका ने नेशनल साइंस फाउंडेशन द्वारा NSFNET को स्थापित किया। इसका मकसद एडवांस रिसर्च और एजुकेशन को प्रमोट करना था, इसका जो मकसद था वो एडवांस रिसर्च और एजुकेशन को प्रमोट करना था। तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1985 में। ओके तो दोस्तों ये जो आप लोग का एस्टैब्लिश हुआ था ये हुआ था आप लोग का 1985 में। आप ले चलते हैं आपको आगे, कौन सा दोस्तों आप लोग का वीडियो का जो है प्रारूप नहीं है, यू नो एवरीवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मेट फॉर वीडियोस। वीडियोस की बात करेंगे, MP4 होता है आप लोग का, 3GP होता है, ABI होता है, WMV होता है, बट अगर हम इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो आपका MSQ नहीं होता है, ठीक है ना, बाकी सारे फॉर्मेट आप लोग के हैं, जबकि MSQ का मतलब होता है मोटिवेशनल स्ट्रक्चर क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, MSQ का मतलब होता है मोटिवेशनल स्ट्रक्चर क्वेश्चन, बट बाकी सारे फॉर्मेट जो हैं आप लोग के वीडियो के हैं। और अब हम ले चलते हैं आपको आगे, अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। दोस्तों बैकअप की बात करें, कभी कभी आप लोग मोबाइल में बैकअप बनाते हैं, जैसे कि होता है कि मोबाइल में डेटा को डिलीट करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है, फॉर्मेट करना पड़ता है, तो हम अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर सिस्टम में बैकअप बनाकर रखते हैं। तो उस बैकअप को क्या बोलते हैं जिसमें केवल अंतिम पूर्ण बैकअप के बाद किए गए परिवर्तन शामिल होते हैं, मतलब लास्ट में जो भी आप लोगों ने दोस्तों यहाँ पर जो भी आप लोगों ने जो है इसका बैकअप बनाया है केवल वही चेंजेस रहेंगे, बाकी सब गायब, सब उड़ जाएगा। बैकअप दैट ओनली इंक्लूड चेंजेस मेड सिंस द लास्ट कंप्लीट बैकअप इज कॉल्ड, इसको क्या कौन सा बैकअप बोलेंगे, तो आपका जो एग्जैक्टली आंसर आपका हो जाएगा यहाँ से, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ से इंक्रीमेंटल बैकअप। ओके दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप बोलेंगे। तो सही जवाब होगा आपका इंक्रीमेंटल बैकअप होगा बिल्कुल आपका सही जवाब। और दोस्तों आपको बता दें, देखिए पासवर्ड की बात करेंगे तो पासवर्ड के केस में क्या होता है, कौन सा कार्य बुरा माना जाता है, पासवर्ड के संबंध में कौन सा कार्य बुरा माना जाता है, इसको देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों का कई बार आपके अलग अलग एग्जाम में आ चुका है, RRB, UPPCL, स्टेनो, SSC में क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का एक से अधिक खातों के लिए समान पासवर्ड रखना। अगर दोस्तों जैसे कि आप लोग जो है फेसबुक का, गूगल अकाउंट का, जीमेल अकाउंट का, ठीक है ना, यूट्यूब, अगर ये आपका अगर हम बात करेंगे, अगर आप हर जगह के पासवर्ड को सेम रखते हैं, आपने दोस्तों अपना अमेजन का अलग रख लिया, मतलब अलग अलग चीज़ों का जो अलग अलग पासवर्ड जो ना रखकर सेम कर दिया यहाँ पर, तो एक से अधिक खातों के लिए समान पासवर्ड रखना तो ये सबसे घातक माना जाता है, क्योंकि अगर आपका एक अकाउंट हैक हुआ तो मतलब साफ है कि आपके सारे अकाउंट हैक हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपने सब जगह पासवर्ड जो है सेम करके रखे हुए हैं इसलिए। तो इनमें से कौन, इनमें से क्या एक आपका वैध ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, तो दोस्तों क्या आप लोग यहां पर जानते हैं कि इनमें से कौन सा एक आपका ऑडियो फाइल फॉर्मेट है, ऑडियो, तो ऑडियो की अगर हम बात करें PNG तो इमेज हो गया, AF अलग हो गया, FLV कुछ लग रहा है दोस्तों। तो 26 क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये आप लोग का हो गया यहां से डी वाला हो जाएगा, AIFF यानी कि ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। तो AIFF का मतलब दोस्तों क्या होता है, इसको दोस्तों आप लोग यहां पर नोट कर लीजिएगा, ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट, ठीक है, तो आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा ऑडियो इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। तो जिनका भी आंसर यहां से आ रहा है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया साथियों, समझ गए आप लोग। चलिए बाकी आप लोग का दोस्तों रखा है .vob FLV PNG, ये आप लोग की ऑडियो फाइलें नहीं है, .png जो है दोस्तों यहाँ से इमेज फॉर्मेट, ये दोस्तों जो है रंगों को सपोर्ट करता है, 7000 अप टू 8 मिलियंस अप टू 16 मिलियंस या 256। तो png की अगर हम बात करेंगे ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट के लिए एक बहुत ही बेहतर गैर पेटेंट प्रतिस्थापन के रूप में बनाया गया है, और यह एक इमेज फॉर्मेट के 16 मिलियन तक के रंगों को सपोर्ट करता है, अप टू 16 मिलियन, दैट्स अ करेक्ट आंसर। तो आपका दोस्तों राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, अप टू 16 मिलियन होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। SMS की फुल फॉर्म क्या है,
आप लोग का SMS की फुल फॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो ये आप लोग की होती है शॉर्ट मैसेज सर्विस। SMS का मतलब दोस्तों क्या होता है आप लोग का, शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे, आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है। दोस्तों QSAM सेवा का लाभ मोबाइल फोन से किस की को दबाकर लिया जा सकता है? 130 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहां से क्या हो जाएगा? तो देखिए QSAM का मतलब होता है क्यूरी सर्विस ऑन आधार मेयर। आधार मेयर सेवा का जो लाभ है मोबाइल फोन से *99*99# दबाकर लिया जा सकता है। तो ये आप लोग का नंबर है *99*99#। अब ले चलते हैं आपको आगे, अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है। format.gif का तात्पर्य किससे है? format.gif का तात्पर्य किससे है? तो ये आपका हो जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट्स। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होगा बिल्कुल आपका सही जवाब, ग्राफिक्स फॉर्मेट। अब ले चलते हैं आपको आगे। दोस्तों अब आप लोग को यहां पर बताना है आई ओ मैप्ड आई, ठीक है ना, ओ सूचित करता है कि क्या होगा। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे 34 क्वेश्चन की तो आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों इनपुट और आउटपुट एक ऐसी प्रक्रिया है, ठीक है ना, अगर हम दोस्तों बात करें यहां पर इनपुट आउटपुट मैप्ड की, तो इनपुट आउटपुट जो है क्या चीज को शो करता है? तो ये आप लोग का हो जाएगा CPU मेमोरी तथा इनपुट आउटपुट के लिए एक अलग से एड्रेस स्पेस का ये जो है समर्थन करता है। ओके, तो इनपुट और आउटपुट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें इनपुट आउटपुट और ऑपरेशन को CPU और पेरिफेरल डिवाइसेस के बीच में परफॉर्म किया जाता है, परंतु ये CPU मेमोरी और इनपुट आउटपुट के लिए अलग एड्रेस का समर्थन करता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो दोस्तों अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा टैब स्टॉप मार्कर को रूलर से बाहर सरकाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहां से आपको क्या दिया गया है, पावर पॉइंट के सभी फिल इफेक्ट्स को नाम दें जो बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स के लिए फिल इफेक्ट विकल्प से दिए गए हैं। चलिए इसको बताइए, तो ये आप लोग का हो गया पहले पैड आपका दे रखा है यहां से पैटर्न, ठीक है ना, पिक्चर ग्रेडियंट और आप लोग का टेक्सचर हो जाएगा। पावर पॉइंट के सभी फिल इफेक्ट्स को अगर नाम दे तो ये आपको यहां पर दे रखा है पैटर्न पिक्चर ग्रेडियंट और आपका टेक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको दिया गया है TIFF की फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों TIFF की फुल फॉर्म क्या है? तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट ये बिल्कुल दोस्तों आप लोग का आंसर राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया दोस्तों है यहां से, ठीक है ना। चलिए दोस्तों अब हम ले चलते हैं आप लोग को आगे, कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम आप लोग के साथ में डिस्कस करेंगे। और अगर ये क्लास आप लोग को इंपॉर्टेंट लगती दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। रावत जी दोस्तों CLI की फुल फॉर्म क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ CLI इज, तो 40 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस होता है और इसको कमांड लाइन यूजर इंटरफेस भी बोलते हैं। तो खैर आपका राइट आंसर हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस। एक आपका दोस्तों तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI और एक आपका CLI होता है। तो ये कमांड वाले तो पहले चलता था लेकिन आजकल GUI का इस्तेमाल किया जा रहा है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और CLI का मतलब होता है यहां से कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन, जैसे कि दोस्तों आप लोग देखते होंगे क्रेडिट कार्ड की अगर हम बात करें क्रेडिट कार्ड की, तो कौन सा क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन तकनीक किसी व्यक्ति को धोखेबाज के रूप में चिन्हित करता है यदि एक ही पते पर डिलीवरी के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड द्वारा कई ऑर्डर्स प्लेस किए गए हों? तो एक्स कार्ड, पैटर्न डिटेक्शन, फ्रॉड स्क्रीनिंग डिटेक्शन या फिर कार्ड वॉच। तो चलिए आपको इस विषय में समझाते हैं क्या दोस्तों प्रॉब्लम है। तो दोस्तों राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा पैटर्न डिटेक्शन। तो जिनका भी आंसर यहां पर पैटर्न डिटेक्शन आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा,
तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पैटर्न डिटेक्शन, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्ट और जो है डिटेक्शन तकनीक है जो किसी व्यक्ति को धोखेबाज के रूप में जो है चिन्हित करता है, जब एक ही पते पर डिलीवरी के लिए, जब एक ही पते पर डिलीवरी के लिए अलग अलग क्रेडिट कार्ड द्वारा कई ऑर्डर प्लेस किए गए हों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से पैटर्न डिटेक्शन। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है दोस्तों, कंप्रेस्ड फाइल का जो है कौन प्रतिनिधित्व नहीं करता है। कंप्रेस्ड फाइल देखिए, जिप जो होती है .zip जिप फाइल, तो ये दोस्तों आप लोग की कंप्रेस्ड फाइल तो होती है, लेकिन ये तो हो जाएगा जिप फाइल हो जाएगा, रेयर फाइल हो जाएगा, पीडीएफ, पीडीएफ नहीं होगा क्योंकि आप लोग का .zz, .rar फाइल, .zip फाइल, ये सारी आप लोग की कंप्रेस्ड फाइलें होती हैं। इसको आप लोग को एक्सपांड करना पड़ता है यहाँ से, बट पीडीएफ ये आप लोग की कंप्रेस्ड फाइल नहीं है, ठीक है ना। तो कौन नहीं करता है, पीडीएफ नहीं करता है। चलिए दोस्तों आप ले चलते हैं आपको आगे। सभी देवी और देवगढ़ों से जो है अनुरोध है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये क्लास सभी लोगों तक पहुँच जाए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है। और अब ले चलते हैं आपको आगे। कलर पैलेट जो है किस मेन्यू में मौजूद होता है, टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार या फिर आपका हो जाएगा विंडो मेन्यू। देखिए 46 क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा विंडो मेन्यू। कलर पैलेट जो होता है किस मेन्यू में मौजूद होता है, विंडो मेन्यू होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर। और कई अध्ययनों से पता चलता है कि कौन सा खेल युवा पीढ़ी पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। दोस्तों आखिर वो ऐसा कौन सा गेम है जिसके थ्रू जो है यंगर को जो है जनरेशन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, तो ये आप लोग का यहाँ से हो जाएगा। तो हाल ही में अध्ययनों में हिंसक वीडियो गेम और छोटे बच्चों के व्यवहार के बीच संबंध दिखाया गया है। तो हिंसक गेम बच्चों के व्यवहार को प्रभावित करते हैं क्योंकि इनका रवैया जो होता है अधिक आक्रामक हो जाता है। और हिंसक गेम की कैटेगरी में आप लोग का पबजी भी आता है, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों उन्हें फिर लगता है ना कि वो गेम खेल रहे हैं या असल दुनिया में जी रहे हैं, उनके लिए गेम की दुनिया ही जो है असली दुनिया बन जाती है। तो ये है बॉयलिंग, ये जो गेम आप लोग का होता है यहाँ से, ये दोस्तों यहाँ पर क्या करता है, युवा पीढ़ी पर नकारात्मक जो है प्रभाव डालता है। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए दोस्तों आप लोग यहां पर बताइए, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके स्टोरेज और फाइल शेयरिंग सेवाओं को प्रभावी सूचना प्रबंधन के लिए उपयोगी माना जा सकता है, फ्लैश ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, सीडी ड्राइव या फिर आपका हो जाएगा यहाँ से क्लाउड बेस्ड हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे दोस्तों 48 क्वेश्चन की, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लाउड बेस्ड। क्लाउड बेस्ड की अगर हम बात करेंगे जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। अब दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए प्रणाली कौन सी है, सभी लोग यहाँ पर बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। तो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स डिजिटल इंटरफेस। दोस्तों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। अब ले चलते हैं आपको और आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग एन इश्यू इट्स कॉल्ड, किसी समस्या को सुलझाने की व्यवस्थित प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों यहां से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 50 क्वेश्चन की बात करेंगे, इसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग की अगर हम बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिक प्रोसेस है किसी भी इश्यू को सॉल्व करने के लिए, इसको बोलते हैं ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से ट्रबल शूटिंग। ओके आप ले चलते हैं आपको आगे। आज का अगला प्रश्न आपके सामने आपको दिया गया है, तो दोस्तों SBG की फुल फॉर्म क्या है, क्या आप लोग जानते हैं दोस्तों यहां से SBG की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। देखिए SBG का मतलब होता है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। दोस्तों S फॉर होता है आप लोग का स्केलेबल, B फॉर आपका होता है वेक्टर, और G फॉर दोस्तों आप लोग का होता है यहाँ से ग्राफिक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ सिस्टम हैंग, निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम हैंग का कारण नहीं है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से,
आपका जो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एक्सेस पावर पॉइंट। तो दोस्तों अगर आपका सही जवाब हो रहा है एक्सेस पावर पॉइंट, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब ले चलते हैं आपको आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आपको दिया गया है, पीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है। साथियों क्या आप लोग यहाँ पर जानते हैं पीजीए की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीजीए ग्राफिक्स कार्ड? ओके, आपका जो एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। ओके, इस क्वेश्चन का आप लोग का जो एग्जैक्टली आंसर आप लोग का जो हो जाएगा यहाँ से, ये आप लोग का क्या होगा यहाँ से, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे, प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे हो जाएगा। और अब दोस्तों बढ़ते हैं लोग यहाँ से और आगे, EETS की फुल फॉर्म क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यू नो एवरीवन द फुल फॉर्म ऑफ EFTS, यू नो एवरीवन। तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। तो आप लोग को यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम होगा, बिल्कुल आपका यहां से करेक्ट आंसर। दूरदर्शन की अगर हम बात करेंगे, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है किसके द्वारा? आयाम मॉड्यूलेशन, यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, या फिर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसको बोलेंगे हम लोग यहां से AM और इसको हम लोग बोलेंगे FM। तो दोस्तों दूरदर्शन में चित्र संदेशों की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर यहां से हो जाएगा, यहां से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर, आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। तो दोस्तों कंप्यूटर में इतना ही रखते हैं, और अभी जो आप लोग की रीजन आपके जो हिस्ट्री की क्लास चल रही थी, अब हम दोस्तों क्या करेंगे, आप लोगों के लिए हिस्ट्री की क्लास को प्ले कर देंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? क्योंकि हिस्ट्री की क्लास अभी बहुत सारे क्वेश्चन थे, बहुत लंबी क्लास थी, तो हम उसको रिप्ले कर देते हैं। अब आप इसके बाद हिस्ट्री की क्लास को देखिए, तब तक हम जो है दोस्तों यहाँ पर अगली क्लास आपके लिए तैयार कर लेते हैं। तो ये सेशन दोस्तों कैसा लगा आपको? तो उम्मीद दोस्तों करता हूँ कि आज का जो आप लोगों को क्लास है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी होगी, बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। और अब दोस्तों मैं आप क्या करने वाले हैं, आप सभी लोगों के लिए दोस्तों क्या है, जो आपकी हिस्ट्री की क्लास चल रही थी यहाँ से, हिस्ट्री की क्लास, ठीक है ना, तो अब हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, तो 7 घंटे की मैराथन। नमस्कार साथियों, ये क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे वाले यहाँ पर 2 घंटे की हो गई थी, 2 घंटे के बाद से दोस्तों जो हमने क्लास रिकॉर्ड करके रखी है, हम इस क्लास को दोस्तों रिप्ले कर देंगे फिर से। तो अब इसके आगे का क्वेश्चन दोस्तों जो है आप लोग यहाँ पर पढ़ लीजिएगा आप लोग स्वयं से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों आज की क्लास रहने वाली है। और अब इसके आगे का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग का था 2 घंटे के बाद से दोस्तों क्लास है, अब इस क्लास में दोस्तों हम लोग जो इसमें प्ले कर देंगे, ठीक है ना। देखिए केंद्रों में से दिल्ली को सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिग्रहित किया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी क्या आप जानते हैं दोस्तों 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? द रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज विटनेस्ड बाय द प्योट। जी आपके और हमारे फेवरेट कवि, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि गालिब ने देखा था। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन असम? जी बिल्कुल सही है, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो दोस्तों असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है असम के दीवान मनी राम दत्त ने किया था। दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। दीवान मनी राम दत्त ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। ईस्वी के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? जी अमनदीप जी आप थोड़ी देर वेट कीजिए, क्लास के एंड में हम आपके बारे में भी बात जरूर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन रेफरेंस टू रिवॉल्ट ऑफ 1857?
जी बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की, तो देखिए दिए गए ऑप्शंस में सबसे पहले लिखा है अधिकांश भारतीय शासकों ने इसमें भाग लिया, यह कथन गलत है। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन, क्योंकि दोस्तों 1857 की क्रांति जो है वो एक लिमिटेड क्षेत्र में हुई थी, लिमिटेड एरिया में हुई थी, और सभी ने इसका सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए अंग्रेज जो है इस क्रांति को दबाने में सफल हो पाए थे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। 1857 के स्वाधीनता संग्राम है, क्या आप जानते हैं दोस्तों उसका प्रतीक क्या था? द सिंबल ऑफ द वार ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज। जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। 1857 की जो स्वाधीनता संग्राम था उसका जो प्रतीक था दोस्तों वह लोटस और चपाती माने कमल और रोटी था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद फौज के नव संगठन से? जी प्रिंसी सिंह जी वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है। विचार करके बताएं दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंडियन आर्मी आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? जी राइट ऑप्शन इस प्रश्न के लिए दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी पील कमीशन, पील आयोग, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया पील कमीशन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? क्या आप जानते हैं दोस्तों, विच ब्रिटिश कमांडर वाज डिफीटेड बाय द संथाल्स इन 1855? जी इंपॉर्टेंट, अगर हम बात करें 1855-56 ईस्वी का संताल विद्रोह जो है वो सर्वप्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह है। और दोस्तों अगर हम बात करें आदिवासी की, तो कई बार स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। और बात करें इस प्रश्न की, तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। मेजर बारो ऑप्शन नंबर सी, नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, संथाल विद्रोह का नेतृत्व दिए गए ऑप्शंस में किसने किया था? जी बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, ऑप्शन नंबर डी का सिद्धू एवं कान्हू। जी संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू ने संथाल नेतृत्व का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों संथाल विद्रोह से रिलेटेड प्रश्न है, क्या आप जानते हैं संथाल विद्रोह 1853 से 57 तक हुआ था, इसके लिए स्थान कौन सा है? जी छोटा नागपुर, मेमन सिंह, पुणे, ठाणे या फिर दोस्तों त्रिपुरा, इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी छोटा नागपुर नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुंडा विद्रोह, तो दोस्तों आप सभी ने इस विद्रोह के बारे में सुना होगा, क्या आप जानते हैं मुंडा विद्रोह का नेता दिए गए ऑप्शंस में कौन थे? जी बिरसा, कान्हू, तिलका मांझी या फिर दोस्तों सिद्धू, इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की, तो आपने कई बार नाम सुना होगा और इनका पूरा नाम क्या था? बिरसा मुंडा। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। मुंडा विद्रोह के जो नेता थे उन्हें बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आप जानते हैं 1921 का मोपला विद्रोह दिए गए ऑप्शंस में कहां हुआ था? जी कश्मीर, BNWFP, केरल या फिर दोस्तों आसाम, इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए?
1921 में हुआ था, तो साल याद रखिएगा कि मोपला विद्रोह जो है कब हुआ था, 1921। और दोस्तों अगर हम बात करें तो 1921 का मोपला विद्रोह केरल के मालाबार जिले के एरनद और दोस्तों वल्लू बनाद तालुका से शुरू हुआ था और यह एक किसान आंदोलन था। याद रखिएगा मोपला विद्रोह क्या था, एक किसान आंदोलन, और यह कहां से शुरू हुआ था, यह केरल से शुरू हुआ था। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। जी निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की थी। मोस्ट क्या आप जानते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइडेड फेम टू सन्यासी रेबेलियन बाई हिज वर्क। जी अमनदीप जी, आपके दिल्ली पुलिस की हम जो है दिन में 7 से 8 क्लास जो है वो डेली प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आपको टाइम टेबल और क्लासेस के बारे में जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप पे आपको क्लास की टाइमिंग के साथ साथ पीडीएफ और जितना भी रिलेवेंट मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करवा दिया जाए। चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को। जी बिल्कुल सही दोस्तों, एक उपन्यासकार थे, प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, बंगाल से इनका संबंध था और नाम था दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ का कथानक जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित रखा था। दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो सूचियां दोस्तों आपके समक्ष दे दी गई है, हमें सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे जो तो कोड दिया गया है उससे बताना है दोस्तों कि राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी कई सारे विद्रोह और दोस्तों जो है आपको दे रखे हैं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट चाहिए। अहोम विद्रोह दोस्तों आपको सबसे पहले दे रखा है, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं अहोम विद्रोह किस वर्ष की घटना है, किस वर्ष। जी बिल्कुल सही, अहोम विद्रोह जो है वो 1828 से संबंधित है। कुल विद्रोह की बात करें तो दोस्तों उसके बाद दूसरे नंबर कुल विद्रोह जिसका संबंध है दोस्तों 1831 से 1832 तक। संथाल की बात करें तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न था अगर हम बात करें जातीय विद्रोह की तो 1855 और 56 में हुआ था संथाल विद्रोह, तो दोस्तों ये इसका संबंध वन से, और विद्रोह का संबंध है 121 से। तो दिए गए ऑप्शन की बात करें 2, 4, 1 और 3, तो दिए गए ऑप्शंस में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग दिए गए आप किया था। जी क्या आप जानते हैं दोस्तों अ वर्ड आदिवास यूज्ड फॉर द फर्स्ट टू रिफर टू द ट्राइबल, महात्मा गांधी, ठक्कर बापा, ज्योतिबा फुले या फिर दोस्तों बी आर अंबेडकर। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी नया पेन। जी फ्रेंड्स अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शन में तो जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग ठक्कर बापा ने किया था। किया था ठक्कर बापा ने। दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया वेरी गुड बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलो द्वारा क्रांति प्रारंभ की जानते दोस्तों किस क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलो के द्वारा क्रांति की शुभारंभ किया गया था। जी बिल्कुल सही दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। 1922 में भील सेवा मठ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों अगर आपने सुना है भील सेवा मंडल के बारे में तो याद रखिएगा 1922 में इसकी स्थापना की गई थी। क्या आप जानते हैं इसकी स्थापना किसने की थी। जी बिल्कुल सही दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में तो 1922 में महात्मा गांधी के अनुयायी थे, समाज सुधारक थे अमृतलाल विट्ठल दास,
ठक्कर। और इन्होंने दोस्तों गुजरात की जनजाति भीलों के सुधार हेतु भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अमृत लाल बिठल दास ठक्कर, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था? दोस्तों विचार करके बताएं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द लीडर ऑफ फराजी रेबेलियन? आगा मोहम्मद रजा, दादू मियां, शमशेर गाजी या फिर दोस्तों वजीर अली? इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में तो दादू मियां ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादू मियां। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। जी पीडीएफ पे आपको विद आंसर ही मिलती है, टिक के लिए आप परेशान मत होइए। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जी कल्लार का संबंध दिए गए ऑप्शंस में किस क्षेत्र से है, विचार करके बताएं फ्रेंड्स। जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस पे तो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात नवीन ब्रिटिश प्रशासकीय व्यवस्था के विरोध में अनेक बहुत सारे विद्रोह हुए थे, जिसमें दोस्तों दक्षिण भारत के मदुरई में जी कहां के लार लोगों का विद्रोह, उड़ीसा के पायकों का विद्रोह और दोस्तों पोरहाट में होस आदिवासियों का विद्रोह प्रमुख है। और दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी माने मदुरई हो जाएगा बिल्कुल राइट। लार लोगों का संबंध जो है वो मदुरई से है। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1865 में बंगाल में घटित नील विद्रोह के नेता का नाम क्या है? जी 1867 विचार करके बताएं। 1865 में बंगाल में जो नील विद्रोह हुआ था उसमें दिए गए ऑप्शंस में कौन नेता ऐसे थे जो अपने दल का नेतृत्व कर रहे थे? जी राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने भी बताया शिशिर कुमार घोष ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित विद्रोह में एक 1816 में आरंभ 1832 तक चला है? जी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो कच्छ के शासक थे भार मल्ल और दोस्तों कच्छ के शासक भार मल्ल को हराकर उनका शासन अंग्रेजों ने उनके अल्पवयस्क पुत्र को दे दिया था। अल्पवयस्क माने माइनर को दे दो, इस कारण जो है 1816 में वहां पर विद्रोह हो गया था और यह विद्रोह जो है वो 1831 तक चला और इसके बाद इस विद्रोह को अंग्रेजों ने दबा दिया था। ऑप्शंस की बात करें तो मैं देख पा रहा हूं ज्यादातर लोगों ने इस प्रश्न के लिए बताया ऑप्शन नंबर सी जो कि है बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी विद्रोह कच्छ विद्रोह इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं दिए गए ऑप्शंस में किन के विद्रोह को पागलपंथी विद्रोह के नाम से जाना जाता है? जी भीलों का, गारो का, गोंडों का या फिर पुलियों का? इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही, अगर हम पागलपंथी विद्रोह का तो यह जो है गारो का विद्रोह था। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1914 बंगाल का तारकेश आंदोलन में किसके विरुद्ध था? जी 1924 तो याद रखिएगा बंगाल आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था आंदोलन। तो प्रश्न में ही आपको कार्य दी जाती है, अगर आप कोकर चीजों को तो प्रश्न पढ़ते पढ़ते आंसर कर सकते हैं। आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र बंगाल से कब हुआ था?
जी बिल्कुल सही प्रश्न की। तो दोस्तों 1904 तारकेश्वर आंध्र मंदिरों भ्रष्टाचार से था दिए गया। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या आप जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगी? जी साइंस की क्लास इवनिंग में 7 बजे। जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस की, तो भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था बिचौलिया, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दिए गए ऑप्शंस में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। क्या आप जानते हैं दोस्तों बिचौलिया जो कि एक किसान आंदोलन था दिए गए ऑप्शंस में किस क्षेत्र से इस रिलेशन था? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों बिचौलिया की, तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी में हमें नाम दे रखा है राजस्थान का, जो कि इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। भारतवर्ष का सबसे पहला किसान जो आंदोलन था नाम था बिचौलिया, और इस संबंध था दोस्तों राजस्थान के क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। किस घटना ने हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता की आग में चिंगारी का काम किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या आप जानते हैं विच इंसिडेंट एक्टेड एज स्पार्क इन हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म? जी होना चाहिए। जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो मोपला विद्रोह 1900 का रूप जो है वो कर लिया था, और दोस्तों इसमें कई हजार हिंदुओं का कत्ल हुआ और कई धर्मांतरण दिए गए, और इनके प्रमुख नेताओं में दोस्तों अली मुद लियर थे। दिए डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। मोपला विद्रोह ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। इसका मोपला विद्रोह दिए गए ऑप्शंस में कहां डबला रिवॉल्ट of 1921 took place in? जी तेलंगाना, मालाबार, या फिर दोस्तों के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी फ्रेंड्स, अगर हम दिए गए ऑप्शंस में, तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए मालाबार हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स सत्य शोधक समाज की स्थापना दिए गए ऑप्शन में किसने की थी? सत्य शोधक समाज वाज फाउंडेड बाय, जी 1873 में, 1873 में दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई थी। और अगर हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो दोस्तों बंबई में ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू किया था, और इसका उद्देश्य दोस्तों ब्राह्मणों के आडंबर और उनके अवसरवादी धार्मिक ग्रंथों की बुराइयों से निम्न जातियों को बचाना था। दिए गए ऑप्शंस की बात करें, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। ज्योतिबा फुले ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह कौन कहता है कि यह धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना चाहिए क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है? Who says that if the religion does not single reform, it should be changed as it is made man-made? जी गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन क्या होगा? जी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस की, तो दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। गोपाल हरि देशमुख बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित नेताओं में किसने जनजातीय उत्थान हेतु कार्य किया था? क्या आप जानते हैं दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स हैड वर्क्ड फॉर ट्रिबल अपलिफ्ट मैन?
सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट जी, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, देव समाज या फिर प्रार्थना समाज, इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही दिए गए ऑप्शंस की बात करें, आर्य समाज ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय दिए गए ऑप्शंस में किसे दिया जाता है? जी बिल्कुल सही दिए गए ऑप्शंस की बात करें, स्वामी दयानंद सरस्वती दिए गए ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या आप जानते हैं भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया? जी बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में तो स्वामी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। स्वामी दयानंद सरस्वती को दोस्तों भारत का मार्टिन लूथर कहा गया है। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले ही प्रश्न की ओर। आर्य समाज की स्थापना का वर्ष क्या है? क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, दिए गए ऑप्शंस में इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? और अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो दोस्तों प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे आधार पर हम कह सकते हैं कि हिस्ट्री के चार प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी पेपर हुए थे 2017 में, हमने उन्हें रिव्यू किया और ज्यादातर पेपर में हिस्ट्री के चार प्रश्न पूछे गए हैं। जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस की, ऑप्शन नंबर सी 1875 बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या आप जानते हैं फ्रेंड्स, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा? सत्यार्थ प्रकाश, इसकी रचना दिए गए ऑप्शंस में किसके द्वारा की गई है? जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में तो स्वामी जी दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था किस ऑर्गेनाइजेशन को? जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी आर्य समाज इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। वेरी गुड, दिए गए ऑप्शंस में जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न, और दोस्तों अगर हम बात करें तो बहुत फटाफट आंसर कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक ही प्रश्न को कई प्रकार से पूछ लिया जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और उन्हें जितने टाइप से पूछा जा सकता है हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। ज्यादातर आपको ऐसे प्रश्न आगे देखने को मिलेंगे जिसमें आंसर रिपीट हो रहे होंगे, मगर आप प्रश्नों को देखकर और उन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा। जी दोस्तों विचार करके बताएं, वेदों की ओर चलो नारा किसने दिया था? जी बिल्कुल सही, दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जी अब पूछा गया है, आर्य समाज की स्थापना कहां हुई थी? मुंबई, हरिद्वार, लाहौर या फिर दोस्तों राजकोट, इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जी बिल्कुल सही, मुंबई दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, Who among the following preached against idol worship? जी फिर से एक बार बिल्कुल सही दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों पढ़ते पढ़ते चीजों को मेमोराइज भी करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट हैं, जैसे अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित, पीछे हमने तीन चार प्रश्न डिस्कस किए, तो याद रखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि स्वामी दयानंद से संबंधित किस किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना है? जी राजा राममोहन राय, दयानंद, विवेकानंद या फिर दोस्तों बाल गंगाधर तिलक, इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा?
जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में, ऑप्शन नंबर बी स्वामी दयानंद इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। मैं देख पा रहा हूँ इस प्रश्न के लिए सभी ने बताया ऑप्शन नंबर बी जो कि है बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इनमें से कौन से गवर्नर जनरल के काल में पास हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए। जी अगर बात करें दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की, तो यह 1856 में पारित हुआ था। जी 1857 में दोस्तों मंगल पांडे पहली क्रांति भी हुई थी, और उस समय अगर हम बात करें दोस्तों गवर्नर जनरल की, तो लॉर्ड कैनिंग दिए गए ऑप्शंस की बात करें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विधवा विवाह अधिनियम द्वारा विधवा विवाह की वैधानिक अनुमति किस वर्ष मिली थी? क्या आप जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? और पीछे वाले प्रश्न में हम दोस्तों देख चुके हैं कि यह अधिनियम 1856 में पारित है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक से ईश्वर चंद्र विद्यासागर का घनिष्ठ संबंध था? जी विचार करके बताएं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में, विधवा विवाह ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अब दोस्तों विचार करके बताएं कि ब्रह्म समाज की स्थापना दिए गए ऑप्शंस में किसके द्वारा की गई है? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों ब्रह्म समाज की, तो याद रखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? Who among the following was influenced much with Western thought rather than Indian thoughts? जी किसके ऊपर जो है पश्चिमी सभ्यता का दोस्तों इंडियन सभ्यता के कंपैरिजन में ज्यादा प्रभाव था? जी बिल्कुल सही दोस्तों। अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में, तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? क्या आप जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है वो अकबर सेकंड के द्वारा, अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई है। दिए गए ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या आप जानते हैं ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? द ब्रह्म समाज इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। नीरज जी गुड आफ्टरनून। जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों ब्रह्म समाज की, तो ब्रह्म समाज जो है वो एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? जी बिल्कुल सही। अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस पे, तो भारतीय जागृति के जनक के रूप में जाना जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्योंकि दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय ने किसका विरोध किया था, और फटाक से आप टिक लगा के आ जाते हो। अब विचार करके बताएं दोस्तों किसका विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा नहीं किया गया था?
जी बिल्कुल सही, बाल विवाह का विरोध किया था, सती प्रथा का विरोध किया था, इसके अलावा दोस्तों विधवा विवाह का भी विरोध इन्होंने किया था। सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन पाश्चात्य शिक्षा ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न लिए हो जाएगा बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता दिए गए ऑप्शन में कौन थे? जी पीछे दोस्तों इसी प्रश्न को हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो दोस्तों राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। और दोस्तों ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार जो है प्रश्नों के शब्दों में हेर फेर करके आप लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है। तो आप अगर एक ही प्रश्न को कई प्रकार से पढ़ लेंगे तो मुझे 100% श्योर हूं कि आप जो है इन प्रश्नों में कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष क्या आप जानते हैं दोस्तों? Who is considered as the first modern man of India? जी नाना साहब ए ओ हूम, राजा राम मोहन राय या फिर दोस्तों स्वामी विवेकानंद, इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें राजा राम मोहन राय की तो दोस्तों पश्चिम की संस्कृति वेस्टर्न थॉट में इनका इंटरेस्ट रहा है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न, कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी का संस्थापक दिए गए ऑप्शन में कौन था? हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कोलकाता यूनिटेरियन सोसाइटी? जी स्पीड प्रश्नों की ठीक है तो आप लोग बता दीजिए, अगर स्पीड में कोई दिक्कत है तो मैं आपको स्लो या फिर फास्ट भी करवा सकता हूं। जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी माने राजा राम मोहन राय इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले प्रश्न को, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन सी थी? क्या आप जानते हैं दोस्तों इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? जबकि पूछा गया है राजा राम मोहन राय ने जो सबसे पहली स्थापना की थी उस संस्था का नाम क्या होगा? जी बिल्कुल सही दोस्तों, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। जी दोस्तों अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन, क्योंकि यहां पर आत्मीय सभा जो है हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखी है। याद रखिएगा दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित पहली जो संस्था थी उसका नाम था आत्मीय सभा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, निम्न में से किस संगठन की कल्पना राजा राम मोहन राय ने समय से पहले ही की थी? जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें दिए गए ऑप्शंस में तो राष्ट्र संघ की कल्पना जो है वो राजा राम मोहन राय ने समय से पहले ही की थी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या आप जानते हैं किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की है? जी 1873 सत्य शोधक समाज, और बात करें दोस्तों इस प्रश्न की तो ज्योतिबा फुले ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखिएगा दोस्तों सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी। चलिए दोस्तों लेके चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्यक्रम था? जी हुज मेन एम वाज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस? जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में तो सत्य शोधक समाज का मुख्य उद्देश्य था दोस्तों जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, पिछड़े वर्ग हैं, उनको प्रोत्साहित किया जाए और उनके उत्थान में किसी प्रकार से मदद की जाए, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता दिए गए ऑप्शंस में कौन थे? हु वॉज द पायनियर ऑफ द लो कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र? जी ज्योतिबा फुले, नामदेव, गुरु घासीराम या फिर दोस्तों तुकाराम, इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? जी बिल्कुल सही, ज्योतिबा फुले ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ज्योतिबा फुले किसके संबंधित है? क्या आप जानते हैं दोस्तों? जाति विरोधी आंदोलन, लेबर यूनियन? जी बिल्कुल सही, अगर हम बात करें दोस्तों तो पीछे हम प्रश्न में देख चुके कि महाराष्ट्र में इन्होंने
जी महाराष्ट्र में इन्होंने लो कास्ट के लिए एक आंदोलन चलाया था, तो इसीलिए जाति विरोधी आंदोलन से संबंध हो जाएगा हमारे ज्योतिबा फुले का। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रणेता से आरंभ हुआ। जी दोस्तों अगर हम बात करें वुमेन्स मूवमेंट की, तो इसकी शुरुआत की जो की गई है वह किसके द्वारा की गई थी। जी फिर से एक बार ज्योतिबा फुले ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा राइट ऑप्शन। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। Who among the following founded Asiatic Society of Bengal? जी अब सारे ऑप्शंस चेंज हो गए हैं, तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर जो है थोड़ा सा केयरफुली दीजिएगा। और बात करें दोस्तों इस प्रश्न की, तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने, किसने, सर विलियम जोन्स ने 1784 माने 1784 में की थी। और इस संस्था के माध्यम से दोस्तों भारत की प्राचीन संस्कृति सभ्यता और साहित्य को उजागर करने में काफी सहायता मिली थी। दिए गए ऑप्शंस पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न की हो जाएगी बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यंग बंगाल आंदोलन, जी दोस्तों यंग बंगाल मूवमेंट का प्रमुख नेता दिए गए ऑप्शंस में कौन था। जी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो हेनरी विवियन डेरोजियो दिए गए ऑप्शंस पे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न की हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। याद रखिए दोस्तों यंग बंगाल मूवमेंट किससे संबंधित है, हेनरी विवियन डेरोजियो से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के हो जाएगा राइट ऑप्शन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले। तो दोस्तों रिवीजन क्लास में इतना ही रखते हैं और अब आपको 30 मिनट का रेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद आपका अब जो नेक्स्ट टाइम में जो है पेपर आपको सॉल्व करवाया जाएगा। तो आज हमने कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करे, कंप्यूटर के बाद में हमने ये रिवीजन क्लास आपके लिए जो है रिप्ले कर दिया था ताकि आप लोग इन सारे प्रश्नों को पढ़ सके, इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल हमने ये क्लास यहाँ पर रोक दी है 107 प्रश्न पर। तो जब अगली बार आपका जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें जो है हम आप लोग के साथ में एक कंप्लीट पेपर लेकर आ रहे हैं, उस पेपर में सब कुछ पढ़ाएंगे। और उस पेपर के बाद दोस्तों आपको बता दें, उस पेपर के बाद में फिर से रिवीजन क्लास स्टार्ट कर दी जाएगी जिसमें आप लोग अपने सभी प्रश्नों को रिवाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको इंपॉर्टेंट लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से 30 मिनट के बाद, अगला आपका एक पूरा पेपर होगा, तब तक के लिए नमस्कार।